राम राम भाई। सबने तो वही अभी बस जिम से आया था, आके खाना खाया और नहाया हूँ। और बहुत से भाई पूछते रहते कि भाई क्या पोस्ट वर्कआउट मिल क्या लेते हो आप, तो वही मैंने लिया अभी 4 अंडे थे और बनाना शेक था। तो और ये इंट्रो में करवा के शूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिम में गाने बहुत तेज़ बज रहे थे तो वहाँ पर शूट कर नहीं पाया मैं। तो इस वीडियो में करूँगा मैं बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट करेंगे, जिसके मैंने लिए हैं 115 पे 3 3 रैप 3 सेट। और डेड लिफ्ट किया, डेड लिफ्ट मेरे करने का ज़्यादा मन नहीं था, रेपिटेशन तो मैंने वैसे बस चेक की डेड लिफ्ट। और इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिससे आप अपनी बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट को ग्रो कर सकते हो। बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट की प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, वीक में 2 बार तो करनी है। उससे अलग जो एक्सरसाइजेज होती हैं इनको ग्रो करने के लिए वो इस वीडियो के लास्ट में बताई मैंने करके, और क्या क्या बेनिफिट होंगे वो मैंने लास्ट में बताया। तो वीडियो को पूरी जरूर देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।
भाई ये कुछ ट्राइसेप्स और शोल्डर की एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी बेंच प्रेस की स्ट्रेंथ को ग्रो कर सकते हो, क्योंकि हमारा मेनली बेंच प्रेस में ट्राइसेप और शोल्डर इन्वॉल्व होता है, फ्रंट शोल्डर जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। और आप इनको ज़्यादा ट्रेन करोगे, हफ्ते में 2 बार इनको ट्रेन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी बेंच प्रेस को ग्रो करने के लिए। वो हफ्ते में 2 बार बेंच प्रेस की भी प्रैक्टिस करनी है आपको, तब जाकर आपकी बेंच प्रेस अच्छी परफॉर्म कर पाओगे आप। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी ट्राइसेप की, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। और ये है डेडलिफ्ट के लिए हाइपर एक्सटेंशन, और आप ही इसको वेट के साथ लगाओ, मैक्सिमम जाओ 4 से 5 सेट। और एक होती है पोस्ट डेडलिफ्ट, वो भी आप परफॉर्म करो, हफ्ते में 1 बार तो करो ही उसको भी, वो आपको करनी है। मेरे पास वीडियो नहीं तो हम करके दिखा देता, वो आपको करनी है ग्राउंड से 2-3 इंच ऊपर उठा के होल्ड करके फिर पूरा रैप करना है।